जैन वस्तु नंद और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में ग्रस्ता ये श्री तारण शाखा ग्रंथराज्य जहाँ पर चार अनियमों का स्वरूप समझ रहे हैं। यथार्थ में ये चारों अनियम आत्मा के गुण होते हैं। आज अपन सीधे गाथा तो गाथा वाचन करते हैं। एक मिनट में अपन प्रणालियों का रिविजन करके छणानियों की ओर चलते हैं। चलिए गाथा तो गाथा रिविजन गाथा नंबर 350 जहाँ पर ने कल चर्चा करी थी। कर्णानी योग संपूर्ण संपूर्ण कर्णानी योग का सार है क्या है? सो आत्म चिंता सदा हे बुद्धिमान श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावकों के लिए है भैया कि हे बुद्धिमान श्रावक, अपने स्व कल्याण की चिंता कर, अपने आत्मा की चिंता कर। क्यों? क्योंकि आत्मा की चिंता ही कर्णानी योग का सार है। स्वस्वरूप च आराध्य, सम्यक दृष्टि जो श्रावक होता है वह इन अनुयोगों के माध्यम से स्वस्वरूपम च आराध्य, अपने स्वभाव की आराधना करता है। कर्णानी योग शाश्वत, यही कर्णानी योग शाश्वत आत्मा का गुण कहा है। शुद्ध आत्मा चेतनम जैन, भैया मैं कैसा हूँ? चैतन्य तत्व शुद्ध तत्व शुद्धात्मा है। देखो याद रखना, तारण स्वामी की बात मात्र अपने स्वभाव के जागरण के लिए, अपनी चैतन्यता के जागरण के लिए। तो तारण स्वामी कह रहे हैं शुद्धात्मा चेतनम जैन, क्या कह रहे हैं भैया? शुद्धात्मा चेतनम जैन, क्या कि मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूं और ये अपना आत्मा ही चेतन में है। जो ऐसा स्वीकार करते हैं ओम श्रियम पदम, क्या जानते हैं भैया? अपने ओमकार में, हियमकार में, श्रियमकार में
अपने परिपूर्ण पद को पहचानते हैं। कैसा पहचानते हैं? पंच दीप्ति मयम शुद्धम, कि मैं आत्मा कैसा हूँ, पंच ज्ञान की दीप्ति से शुद्ध हूँ। पांच ज्ञान मेरी ही दीप्तियां, मेरी ज्योति है। शुद्ध आत्मा शुद्धम गुणम, यही अपने शुद्ध आत्मा का शुद्ध गुण है। मिलाते जाइए, सल्यम मिथ्या मयम तिक्तम, वह आत्मार्थी वह ज्ञानी मिथ्या आदि शल्यों को, मिथ्या माया निदान आदि शल्यों को त्याग देते हैं। पुण्यान त्रि विनर्मुक्तियम, तीन प्रकार के कुज्ञान का त्याग कर देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? ऊर्धम च ऊर्ध सत्ता, आत्म कैसा है भैया? ऊर्ध्वगामी स्वभाव वाला है और अपनी ऊर्ध्वता से भरा हुआ है। ओंकारम च विन्दते, हे भव्य आत्मा ऐसा क्या करो, अपने ओंकार में शुद्धात्म स्वभाव का वेदन करो। यही कर्णानी योग का सार है। कर्णानी योग क्या कह रहा है? दिव्य दृष्टि चा संपूर्ण, हे भव्य जीव द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो। देखो भैया, अपने मन की दृष्टि से मत देखो, अज्ञान की आंखों से मत देखो, काय से देखो? दिव्य दृष्टि चा संपूर्ण, अपने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखो, अपने स्वभाव को देखो भैया, परिपूर्ण स्वभाव को देखो। क्या? शुद्ध सम्यक दर्शनम, अपने स्वभाव को, द्रव स्वभाव को, परिपूर्ण स्वभाव को द्रव दृष्टि से देखो, इसका ही नाम शुद्ध सम्यक दर्शन है। अपने शुद्ध स्वभाव को देखो, इसका ही नाम शुद्ध सम्यक दर्शन है। ज्ञानम मयम सारम शुद्धम, हे भव्य आत्मा ऐसी ही श्रद्धा करो कि मैं आत्मा ज्ञान में शुद्ध हूं। ऐसी साधना करो, ऐसी श्रद्धा करो। कर्णानि योग स्व आत्म चिंतनम, कर्णानि योग क्या भैया? अपने स्व आत्मा का चिंतन करना ही कर्णानि योग। ये विषय अपन ने कल कर लिया, अब अपन चल रहे चरणानि योग की ओर। काय की ओर चल रहे भैया? अब अपन चरणानि योग को क्या मानते हैं भैया? कि बाहर में नियम व्रत संयम आदि की जो चर्चा है वो चरणानि योग। कैसे मानते हैं चरणानि योग क्या भैया? जहाँ चारित्र की प्रधानता से कथन किया जाए। एक बात बता भैया, जहाँ चारित्र की प्रधानता से कथन किया जाए उसका नाम चरणानि योग, जहाँ चारित्र की बात चले उसका नाम कर्णानि योग भैया, चरणानि योग सॉरी। तो एक बात बता, क्या बिना सम्यक दर्शन के चारित्र हो सकता है? क्या चारित्र नहीं हो सकता? हाँ, मिथ्या चारित्र हो सकता, बाहर चारित्र, द्रव चारित्र, बिना भाव चारित्र द्रव चारित्र माना नहीं जाता, लेकिन उपचार से कह दो कोई बात नहीं। लेकिन यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक चारित्र नहीं हो सकता, मिथ्या चारित्र हो सकता। और मिथ्या चारित्र निगोध का मूल का, निगोध ही सीधा निगोध ही जाएगा। तो क्योंकि सम्यक क्या लक्ष्य नहीं है, अभिप्राय नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, यदि अपने हित के लिए नहीं कर रहा तो फिर चरित्र किसके लिए कर रहा? ख्याति के लिए, लाभ के लिए, पूजा के लिए, दिखाने के लिए? अरे जीव अपने स्वभाव के अनुभव से वंचित है, यदि अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं जानता, यदि उसने वीतरागी सर्वक परमात्मा ने जो वीतराग जिन धर्म कहा है उस अनुरूप चर्या नहीं कर रहा तो फिर चरित्र किस लिए? अपनी पूजा करवाने के लिए, पांव धुलवाने के लिए, आरती करवाने के लिए, इसलिए तो हुआ ना। और जो चारित्र लाभ के लिए है, ख्याति के लिए है, बाहर के दिखावे के लिए है, वो नियम से निगोध का कारण है। इसलिए तारण स्वामी क्या कह रहा है भैया, आपने कोई समझना है चरणानि योग क्या है, पहले ये समझना। देखो भैया, अपन पहले इतना तो समझते हैं कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और फिर चरण, अर्थात जिसका लक्ष्य शुद्ध मोक्ष मार्ग में आरोहण करने का। मान लो सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं आई और आपने व्रत ग्रहण कर लिए, लेकिन आप आराधना कर रहे हो सम्यक दर्शन की, अर्थात आप आराधना कर रहे हो अपने शुद्ध स्वभाव की, तो फिर ठीक है। तो आप तो ये मानेंगे भैया कि आपने खेत में आप बीजारोपण कर रहे हो, उसके पहले आपने बागड़ लगा ली, कोई बुराई नहीं। यदि आप खेत में बीजारोपण कर रहे हो और आपने, आपकी फसल नहीं आई, लेकिन फसल आने के पहले ही आपने बागड़ लगा ली, क्यों बागड़ लगा ली भैया? कि हम बीजारोपण कर रहे हैं, फसल तो आएगी आएगी,
और फसल आएगी तो उसकी सुरक्षा तो करनी पड़ेगी। यदि आपने इस लक्ष्य से व्रत लिए हैं, नियम लिए हैं, और आप आत्म स्वभाव को प्रधान करके, क्रियाओं को प्रधान करके नहीं, बाहर के क्रियाओं में उलझ के नहीं, यदि आत्म स्वभाव को प्रधान करके वो क्रियाएं सहज पल रही है और आपका लक्ष्य अपने चैतन्य स्वभाव का है, तो फिर नक्की फिर मोक्ष मार्ग में कोई बाधा नहीं। फिर चरणानियों की चर्चा करने में कोई बाधा नहीं है। भैया अपन ये भी कहेंगे भैया कि व्रत लो, अणुव्रत ग्रहण करो, उपदेश में तो आए नहीं ना, भगवान के बाणी में तो चारों अनियों का आए ना, भगवान की वाणी में ये तो आए नहीं ना, हे जी पापों को छोड़ो, क्या करो, पापों का त्याग करो और अणुव्रतों को ग्रहण करो, एक देश संयम लो। भगवान की वाणी में तो आएगा ना, हे जी क्या करो, घर गृहस्थी के मोह राग को छोड़ो और महाव्रतों को ग्रहण करो और मुक्ति का मार्ग। भगवान की वाणी में तो कथन आए नहीं ना, लेकिन ये कथन आएगा किस लिए? सम्यक्त को स्वीकार करने के लिए आएगा। सम्यक्त को स्वीकार करने के लिए आएगा, क्यों? क्योंकि पापों में आचरण ही मिथ्या है, संसार की रुचि ही मिथ्या है, घर गृहस्थी पुत्र परिवार की रुचि ही मिथ्या है, और वहां जो चारित्र का उद्देश्य आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि घर गृहस्थी पुत्र परिवार की रुचि छोड़ो और आत्मा की रुचि जगाओ। इसलिए नहीं आ रहा कि भैया तुमसे कह दिया कि अणुव्रत लेने से स्वर्ग जाते हैं, तो अणुव्रत लेके बैठ जाओ और आत्मा की सुरद भी ना। वो उपदेश काय के लिए आ रहा है कि आप एक देश शरीर पापों का त्याग कर रहे हो, अणुव्रत ले रहे हो, तो छह काय के जीवों के प्रति हृदय से अनुकंपा का भाव और अपने जीवन में काय की भैया जयवंत आत्मा की भावना आपके जीवन में समता शांति और आनंद बढ़ जाए। ऐसा थोड़ी ना कि अणुव्रत लेने के बाद समाज की झंझट, दुनियादारी के विकल्प और बढ़ जाए, इसलिए थोड़ी ना। यदि अणुव्रत लेने के बाद, प्रतिमाएं लेने के बाद यदि आपके जीवन में उलझन बढ़ जाए तो फिर लेने का कोई फायदा, मत सुलझने का मार्ग है, समाज से, संयोगों से, निमित्तों से सुलझने का मार्ग है, ये सब उलझने का मार्ग नहीं है। यदि अपन उल्टा उलझ रहे हैं तो फिर वो मोक्ष मार्ग। तो यहाँ क्या कह रहे तारण स्वामी भैया, पहले अपने को चरणानि योग समझना है। चरणानि योग क्या है? अपन चरणानि योग को ये मानते भैया, क्या मानते हैं, जहाँ व्रतों की, नियम की, चारित्र की प्रधानता से चर्चा हो। चर्चा तो चारित्र की प्रधानता से ही होगी भैया, और उस चर्चा को सुन के ऐसा लगेगा भी भैया, हम रात्रि भोजन के दोष बताएंगे तो चर्चा को सुन के लगेगा ही कि रात्रि भोजन त्याग करो, तत्काल त्याग करो, और आप रात्रि भोजन को उस कथा को सुन के छोड़ भी दोगे भैया, लेकिन उस रात्रि भोजन को त्याग करने के पीछे जो अभिप्राय है वो ही चरणानि योग का मूल है। क्या अभिप्राय है? दो अभिप्राय है भैया, कौन कौन से? सही जवाब है वैसे आप, लेकिन सरल भाषा में बोलो। दो अभिप्राय है, एक सभी प्राणी मात्र को अपने समान जान के छह काय के जीवों पर अनुकंपा, और दूसरा प्रमाद दूर करना बोलो, या फिर ये बोलो कि मैं भी जीव आत्मा हूं, इसकी सुद आ जाए। रात्रि भोजन इसलिए नहीं करते कि स्वास्थ्य अच्छा रहे, रात्रि भोजन इसलिए त्याग नहीं करते कि हम स्वर्गों में चले जाएं, रात्रि भोजन हम इसलिए नहीं छोड़ते कि पाप का आश्रम कम हो, वो तो होगा ही होगा, ये सब तो कारण है ही, लेकिन रात्रि भोजन इसलिए छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि अधिक हिंसा ना हो, छह काय के जीवों पर अनुकंपा बनी रहे, और छह काय के जीवों पर अनुकंपा के भाव से मैं भी इन्हीं के समान जीव हूं, मैं इन गतियों में ना चला जाऊं कि रात में लोग मुझे निगल जाए, मेन गतियों में ना चला जाऊं। ऐसे सम्यक्त को ग्रहण करने के लिए, ऐसे आत्मा के बोध को ग्रहण करने के लिए रात्रि भोजन के त्याग का होवे। और यदि रात्रि भोजन के त्याग की क्रिया आ जाए लेकिन छह काय के जीवों पर अनुकंपा ना आए, या फिर मैं जीव आत्मा हूं, मैं इन दुर्गतियों में ना चला जाऊं, ऐसा चिंतन ना हो, तो फिर वो रात्रि भोजन त्याग। तारण समय तो और ऊंची बात कही थी, उन्होंने कहा था सम्यक ज्ञान का सूर्य उदय ना हो तो त्याग नहीं है, मिथ्या है तुम्हारे अंदर। अपन तो थोड़ी सरल करके बोल पाए, यदि आत्मा का चिंतन ना हो, तत्व का विचार ना हो,
यदि वस्तु स्वभाव की श्रद्धा ना हो तो चारित्र का उद्देश्य आपके लिए निरर्थक है। अरे अपने कितनी अच्छी अच्छी कहानी सुनी है, पितामह योग में एक कौए का मांस छोड़ा था, मोक्ष चला गया भाई। क्यों चला गया? अच्छा उसने तो एक नियम से मोक्ष चला गया, अपन ने कितने नियम? नर्क जाएंगे निश्चित बात है, सारे नियम लेके। वो एक नियम लेके मोक्ष चला गया, और अपने कितने नियम है? हम तो रात में भी नहीं खाते और जे भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, ये भी नहीं पहनते, यहाँ भी नहीं करते, वहां भी नहीं आते ना। अपने कितने? अपने 100-200 होंगे, उसका एक था। वो एक जो उसका नियम था वो भीतरागी भावलिंगी संतों की दृढ़ श्रद्धा से था कि जो इन्होंने मार दिया है वही सत्य अकाट श्रद्धा थी। प्राण गए लेकिन नियम नहीं टूटे हुए, वह अकाट श्रद्धा थी। जिन धर्म की वीतराग धर्म की अकाट श्रद्धा थी, तो वहां श्रद्धा सम्यक होने से आगे आगे के भवों में काम बन गया। आगे के भवों में भगवान की वाणी सुनी और काम बन गया। भगवान जी अपने नियम बहुत सारे हैं, क्रियाएं बहुत सारी हैं, लेकिन श्रद्धा नाम की चीज नहीं है भैया। श्रद्धा ना होने से अपन जहां के तहां है, जैसे कि तैसे, जैसे कि तैसे सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, चरणानि योग भी पढ़ना है, कर्णानि योग भी पढ़ना है, पथमानि योग भी पढ़ना है, सारे अनुयोग पढ़ना है, लेकिन जहां के तहां आगे बढ़ने का मार्ग नहीं आ रहा। मार्ग क्यों नहीं आ रहा? कि महान श्रद्धान की मुख्यता है कि श्रद्धान नहीं डोलना चाहिए। देखो तो उन्होंने अन्य मतों में आके, अन्य मतों के जीवों ने आके यहाँ वीतराग धर्म की श्रद्धा करी और अटल रहे प्राण के अंत तक। अंजन चोर की श्रद्धा देखो कि रस्सियां कट गई, तलवार से गिर के मरेंगे या ऊपर जाएंगे, कोई भय नहीं। तो वहां उनके श्रद्धान में अटलता रही और यहां अपना श्रद्धान ही यहाँ भग रहा है, वहां भग रहा है, जो जो बोल रहा है वो मान रहा है, जो जो क्रिया बता रहा है वो करने लग रहा है, जो जैसा उपाय बता रहा है उस उपाय को स्वीकार कर ले रहा है। पुण्य पाप पे वो वीतराग धर्म पे श्रद्धा नाम की चीज है ही नहीं। और जब वीतराग धर्म पे ही श्रद्धा नहीं है, अपन अपने पुण्य पाप का ही निर्णय नहीं कर पा रहा है, जिन वाणी की बात को ही यथार्थ रूप से नहीं ग्रहण कर पा रहा है, तो भगवान जी सिद्धि कहां से होगी? मां तो एक बार सुना और सिद्धि हो गई, और यहां तो वहां तो अंजन चोर का निरंजन होने के लिए नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ था, वो तो नमोकार मंत्र भी याद नहीं कर पाया था, और श्रद्धा थी तो निरंजन हो गए। और अपन तो दिन में 4-6 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे, लेकिन भगवान जी ना अरिहंत देव पे श्रद्धा है, ना सिद्ध भगवान पे श्रद्धा है, ये विश्वास ही नहीं है कि इनसे ज्यादा सुखी इस तीनों लोगों में कोई है ही नहीं। अपन भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं, सांसारिक विषयों के पीछे भाग रहे हैं, बात शरणानी योग की चारित्र की चल रही है, लेकिन भैया चारित्र तो उसके जीवन में आएगा जिसके जीवन में सम्यक, और जब सम्यक कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो चारित्र को मिथ्या चारित्र कहलाएगा। और 24 थाना पढ़ना है, यदि आपको मौका मिले तो 24 थाना ग्रंथ में नित्य निगोद का वर्णन करते हुए, इतर निगोद का वर्णन करते हुए तारण स्वामी ने कहा है, चारित्र नीच, दर्शन नीच, ज्ञान नीच, जो तू बाहरी आचरण कर रहा है सम्यक के बिना, ये नीच है और निगोद का कारण है। इतर निगोद भेजा, नर्क मर्क नहीं कहा उन्होंने, सीधा निगोद भेजा कि तेरा चारित्र निगोद का कारण है। क्यों निगोद का कारण है? क्योंकि तुझे अपने सम्यक का, अपने स्वभाव का, मूल तत्व का बोध नहीं है, चेहरा चारित्र निबोध लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आस्था बाहर की क्रिया की है, आस्था बाहर के परिणाम की है, तू अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए, वहां अर्घ शब्द का 24 थाना में अर्घ शब्द का प्रयोग ज्यादा है कि तू अपने प्रकाशमान स्वभाव को नहीं देखता। जिन शब्द का प्रयोग ज्यादा भैया कि तू अपने वीतराग स्वभाव को, अंतर आत्मा को नहीं देखता और बाहरी क्रियाओं को देखता भैया। तो क्या कह रहा है? इस प्रकार से तेरी ये सारी चर्या निगोद का कारण बनेगी। आत्यागी का उन्हें त्यागी नहीं, आत्यागी शब्द दिया, आत्यागी आत्यागा, कि तू त्यागी नहीं, तू तो त्याग बाहर से त्यागी का भेष धारण करके पर पर्याय को देख रहा है, पर पर्याय में रमण कर रहा है, पर पर्याय में रुचि रख रहा है, तू त्यागी नहीं आत्यागी है, भेष त्यागी का है और है आत्यागी। इस कारण से नित्य निगोद को इतर निगोद में जाके जन्म लेगा।
अपनी क्या हाल चाल है? हाँ, क्या हाल चाल है? चरदान है। आप जानो भैया, हम तो चरणानी योग गुण के पास जा रहे हैं। आगम में जो चरणानी योग कहा है वो व्यवहार है, सम्यक ज्ञान का गुण चरणानी योग है, ये निश्चय। चार अनियोगों में जनवाणी, ये उपचार कथन है। ध्रुव सूत्र को उपचार से जनवाणी कहते हैं, निश्चय से भाव सूत्र का नाम जनवाणी है। तो आत्मार्थी सम्यक दृष्टि जीव को सम्यक ज्ञान के व्यवहार रूप जो चिंतन है उसको कर्णानी योग कहा था, जो प्रथमानी योग से इन जनवाणी के पदों का वेदन है उसे प्रथमानी योग कहा था। आप तारण समय चरणानी योग कह रहे हैं। चरणानी योग क्या है? अब ये भी तो पता लगे, प्रथमानी योग तो इन पदों का अनुभव हो जाए तो प्रथमानी योग, अपने सिद्ध पद का वेदन हो जाए तो प्रथमानी योग, पहला काम तो यही। और आत्मा की चिंता हो जाए और दुनियादारी की चिंता छूट जाए तो कर्णानी योग परिणामों के समान अपने आप ही होने लगेगी। भाई अपने हित का विचार करोगे, आत्मचिंतन करोगे तो अपने आप ही परिणाम समलेंगे, परिणामों के समान होगी। भाई अब आ रही बात भैया चरणानी योग चारित्र की। चारित्र क्या कले, क्या चारित्र कहाँ से लाए? अरे कुंद कुंद देव ने तो कहा है चारित्रम खलु धम्मो। इस लोक में चारित्र के अलावा कोई दूसरा धर्म ही नहीं, क्योंकि धर्म बकबक करने का विषय थोड़ी ना, धर्म बकबक करने का विषय थोड़ी ना, धर्म बकवास करने का विषय थोड़ी ना। कि आपने बढ़िया सभा लगाई और बढ़िया एक घंटे बढ़िया सभा में बकवास कर ली, इसका नाम धर्म थोड़ी ना। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। यदि जनवाणी आपके आचरण में आ रही है, चारित्र में उतर रही है तो धर्म है, और जनवाणी यदि आचरण में नहीं उतर रही तो सब क्रिया कर साफ दिखावा है, और ये दिखावा का नाम छल दिया। देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, चरणानु योग चारित्र। चरणानु योग में काय की चर्चा है भैया? चारित्र के दो भेद है, कौन कौन से भेद? अब ये तो आपके व्यवहार वाले एक देश और शकल वाला, निश्चय से चारित्र के दो भेद है, एक सम्यकता चरण और दूसरा संयम चरण। निश्चय से चारित्र के दो भेद है, एक कौन सा है? सम्यकता चरण, और दूसरा कौन सा है? संयम चरण। दोनों ही चारित्र है, बिना सम्यकता चरण के सम्यक दर्शन होता नहीं, और बिना सम्यक दर्शन के संयम चरण चारित्र होता नहीं। पहले कोई भी जीव संयमाचरण चारित्र को अंगार करने वाला, सम्यकता चरण संयमाचरण चारित्र को ग्रहण करने वाला कोई भी जीव पहले सम्यकता चरण चारित्र में ही आचरण करेगा। क्यों? बिना सम्यकता चरण के संयमाचरण होने वाला, प्रथमम सम्यकतम चरणम और फिर बाद में संयमाचरण, बाद में संयमाचरण होना। तो तारण स्वामी कह रहे हैं भैया चारित्र क्या है? चरणानि योग चरित्रम। चरणानि योग में चारित्र की चर्चा भी है, वो चारित्र के दो भेद हमने आपको बताए दिए। तो देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, तारण स्वामी वास्तव में चरणानि योग रूप चारित्र ये आत्मा के ज्ञान का गुण है। ये क्या है? तो देखो तारण स्वामी कह रहे हैं, चिद रूपम रूप दृष्टियते। क्या कह रहे हैं भैया? अपने अंतर में जो चेतन चिद्रूप आत्मा है, इस चिद्रूप को अपनी दृष्टि में देखना ही चारित्र है, और ये चारित्र तुम्हारा चरणानि योग नाम का गुण है। भाई काय को देखना? अपनी दृष्टि में, अपना जो चेतन में ज्ञान दर्शन में जो प्रकाशमान आत्मा है, ऐसे चिद्रूप स्वभाव को देखो देखो देखो। जो जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान बहुरी, और जो जानने देखने रूप प्रणमन करे सो चारित्र। ऐसे चिद्रूप स्वभाव को अपनी चैतन्य ज्ञान में सत्ता को अविनाशी तत्व को अपनी दृष्टि में देखने का नाम चारित्र है। और चारित्र की परिभाषा तारण स्वामी देते हैं, चिद्रूपम रूप दृष्टियते। हे जीवात्मा, ये तुझे अपना चिद्रूप रूप ये दिखाई दे रहा है कि मैं तो जाननहार हूँ, ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। यदि दृष्टि में अपना चिद्रूप त्रिकाली परमात्मा दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? चारित्र। और ये चारित्र है चरणानि योग।
इसका नाम है चरणानियोग। प्रतिदि प्रथमानियोग, हाँ वो ही है, लेकिन यह गाढ़ चिद्रूप, यह चिद्रूप आत्मा का दर्शन है भैया। चिद्रूप मतलब क्या होता है देखो भैया, तो आत्मा दर्शन में है, ज्ञान में, ऐसा तो अपन जानते हैं ना भैया। दर्शन अनादि से दर्शन का काम कर रहा है, ज्ञान अनादि से ज्ञान का काम कर रहा है, ज्ञान में हमेशा अजानंदपना चल रहा है, दर्शन में हमेशा दृष्टापना चल रहा है। आत्मा ऐसा चिद्रूप अर्थात इस प्रकार से प्रकाश में अनादि से है, उसमें दर्शन का ज्ञान का चारित्र भेद है ही नहीं। तो दर्शन में है ये मैं कहता हूँ, ज्ञान में है ये मैं कहता हूँ, चारित्र में है ये मैं कहता हूँ, लेकिन जहां दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, जहां एक है चिद्रूप जो है सो है, यदि ऐसा अभेद आत्मा आपकी दृष्टि में है तो चारित्र, तो चरणानी योग आपका गुण है, और यदि ऐसा अभेद आत्मा आपकी दृष्टि में नहीं है फिर कुछ नहीं। तो समझ में आई कि ऊपर से गई? हाँ बैठी। चरणानी योग क्या है? पहले तो ये कहो चरणानियोग मेरे ज्ञान का गुण है। चरणानियोग क्या है? मेरी आत्मा का गुण है, मेरे सम्यक ज्ञान का गुण है चरणानियोग। अब चरणानियोग का स्वरूप क्या है? चारित्र, चारित्र चरणानियोग का स्वरूप है। चारित्र क्या है? चिद्रूपम, चिद्रूपम रूप दृष्टेते, अपने चिद्रूप को देखना, चैतन्य रूप को देखना, अभेद आत्मा को देखने का नाम, अपनी दृष्टि में अभेद आत्मा दिखाई दे इसका नाम चारित्रम, और इसको आचार्य कुंद कुंद कह दिया भैया चारित्रम खलु धम्म, इसका नाम धर्म। अब बताओ भैया, यदि आपको ऐसा अभेद आत्मा दिखाई दे रहा है तो चरणानी योग आपकी आत्मा का गुण है, यदि ऐसा अभेद आत्मा, ऐसा गायक परमात्मा आपकी दृष्टि में नहीं दिखाई दे रहा तो भटकते रहो संसार, एक ही नहीं क्या है? हाँ? चारित्र अपनी आत्मा गुण है, किसको दिखाई देगा? सम्यक ज्ञानी को। सम्यक ज्ञान मतलब मेरे आत्मा का गुण। चारित्र चरणानी योग बाहर में लिखा हुआ किताबों में लिखी हुई बात नहीं है भैया। चरणानी योग, भैया चरणानी योग का ग्रंथ लिया, मैंने तारण तरण श्याप का चार्ज लिया, ये तारण तरण श्याप का चार्ज लिया, ये चरणानी योग नहीं है, ये तो उपचार से चरणानी योग। अरे तारण तरण शापाचार्य में जो लिखा है वो आपके आचरण में चिद्रूप आत्मा झलक जाए, इसका नाम चरणानी योग है भैया। और जब ये आचरण आपके जीवन में आएगा तो ये चार अनियोग आपके आत्मा के गुण है, ये चार अनियोग आपके ज्ञान के गुण है, या चार अनियोग बाहर की वस्तु नहीं है आपका की नहीं। चलिए बताओ भैया आगे चले कि नहीं चले? हाँ मेरा गुण है ऐसी प्रतीति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत दिन हो गए शास्त्रों को, भैया चार अनियोग को नमस्कार करते हैं भैया, शास्त्र पूजा करना भैया। शास्त्र पूजा का विधान क्या है? शास्त्र के चार गुण द्रव्यानियोग, प्रतिमानियोग, करणानियोग, चरणानियोग। अनंत काल हो गए बाहर से शास्त्रों के गुणों की पूजा करते करते भैया, अब तो गुरु माया ने पंडित पूजा में कह दिया था ज्ञान में शास्त्र की पूजा करो। कौन सी कहा थी वो? पूजतम ज्ञान, शास्त्र पूजा विधि ऐसा थी ना कि ज्ञान में शास्त्र की पूजा करो, अपने आत्म ज्ञान में ही शास्त्र की पूजा करो। ये आत्म ज्ञान में शास्त्र स्वयं चार अनियोगों में है, अपना सम्यक ज्ञान स्वयं चार अनियोगों में है, ऐसे चैतन्य ज्ञान में स्वभाव की पूजा करो, आत्म शास्त्र की पूजा करो। बाहर के शास्त्र पूछते पूछते जीवन निकल गया, अब तो चैतन्य शास्त्र की पूजा करो। यह तारण स्वामी का पंथ, तारण स्वामी से लोग इसलिए नहीं जुड़े कि उन्होंने 14 ग्रंथ लिख के पटक दिए, कि भाई 14 ग्रंथ लिख के रख दिए और लोगों से नमस्कार करने लगे, इसलिए नहीं जुड़े तारण स्वामी से। ये 14 ग्रंथ तो आपने छपवा के एक प्रति बना के रख दिए, नहीं तारण स्वामी से लोग इसलिए जुड़े क्योंकि उन्होंने चैतन्य शास्त्र की पूजा बताई, उन्होंने ज्ञान की पूजा बताई, और जब उन्होंने ज्ञान की पूजा बताई जीवों को, जब वो ज्ञान में आत्मा की पूजा समझ में आई तो हाट के हाट, बाट के बाट, लाट के लाट, गांव के गांव तारण स्वामी के हो गए,
वो सब मिथ्या आडंबर को छोड़ दिया, सबने अपने जीवन में सत्य को अंगीकार कर लिया। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने कोई क्रिया कांड का पोषण नहीं कराया, ज्ञान में शास्त्र की पूजा बताई, और ज्ञान में शास्त्र वो चार अनियोग जीव को अपने ज्ञान में दिखाई दिए, अपने अंदर में दिखाई दिए, वो साधना अपने अंदर में दिखाई दी, तो तारण स्वामी सब जुड़ गए, इसलिए उनके मार्ग से सब जुड़ गए। और यदि वो भी कोई बाहर का व्यवहार बता देते तो दुनिया में चल ही रहा था। इतने लोग अपना मत क्यों छोड़ के आते? 151 मंडल के आचार थे, तो 151 मंडल के मठाधीश अपना मत छोड़ के क्यों आए? क्यों आए? क्योंकि उन्हें चैतन्य की आराधना का मार्ग मिला। क्योंकि ये चैतन्य की आराधना का मार्ग नहीं मिलता तो तारण स्वामी से कोई जुड़ने वाला नहीं। बात तो इतनी सी थी, क्या थी? कि चरणानुयोग चरित्रम। चरणानुयोग क्या है? अपने ज्ञान का गुण। उसमें काय की व्याख्या है? चारित्र की। चारित्र क्या है? चिद्रूपम रूप दृष्टि। अपने चिद्रूप, अपने अभेद चेतन रूप को देखने का नाम चारित्र है। और आगे तारण स्वामी कहते हैं, सुनो, ऊर्ध आर्ध च मध्य च। ऊर्ध लोक में हो चाहे मध्य लोक में हो और चाहे अधोलोक में, ऊर्ध आर मध्यम च, ऊर्ध लोक में हो अधोलोक में हो या मध्य लोक में हो, संपूर्ण ज्ञान मयम ध्रुवम। अरे अपने संपूर्ण ज्ञान में शाश्वत स्वभाव को देखना, अपने संपूर्ण ज्ञायक स्वभाव में रमण करना ही चारित्र है। इसके अलावा और कोई चारित्र है ही नहीं। चाहे भावलिंग संत यहाँ हो, चाहे ऊर्ध लोक में हो आकाश गमन कर रहे हो, या फिर अधोलोक में हो, या वो कहीं भी विचरण कर रहे हो, यह साधना तो क्या है? संपूर्ण ज्ञान मयम ध्रुवम, अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की आराधना करना ही वास्तव में साधना है। और ज्ञान में स्वभाव की आराधना नहीं है तो फिर कोई साधना। चरणानुयोग की बात चल रही है, हमने आपसे पहले कह दिया, अपन जो व्रत कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, क्रियाएं कर रहे हैं, इसको चारित्र मत मान लेना। क्यों मत मान लेना भैया? सम्यक से यदि स्वभाव के लक्ष्य से हीन है तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है, और मिथ्या चरित्र नाम पाएगा। मिथ्या चरित्र कहाँ का कारण हमने पहले बता चुके, मिथ्या चरित्र हमेशा निबोध का कारण है। इसलिए हमेशा सावधान रहना, हमेशा क्या कि अपनी भावनाओं में तो कम से कम सम्यक चरित्र की भावना भाव। क्या भावना भाव भैया? संपूर्ण ज्ञानमय। आत्मा कैसा हो? संपूर्ण रूप से ज्ञान में शाश्वत ध्रुव में आत्मा हूँ, और मुझ में मेरे स्वभाव के अलावा और कहीं कुछ है। निष्ठा काय की चर्चा चल रही है? चरणानियों आचरण की। कहाँ आचरण की? अपने छिद्रूप ज्ञान में संपूर्ण ध्रुव स्वभाव, इसमें आचरण करोगे तो चांद नहीं हो रहा तो भैया है बस भाई, आत्मा ही समझ में नहीं आती, बाकी सब समझ में आता। क्रियाएं तो सब समझ में आती हैं, व्रत नियम करना सब समझ में आते हैं, बस आत्मा की बात समझ में नहीं आती तो भाई फिर क्या है? यही तो कहते हैं, भगवान की वाणी समझ में नहीं आती, चिन्मणि समझ में नहीं आती, सिर्फ आत्मा को छोड़ के सब कुछ समझ में आता है तो फिर क्या है? एक आत्मा की याद नहीं आती, इसके अलावा पूरी एक एक बारीक से बारीक चीज याद रहती है। घर में नमक मिर्ची मसाला और तिजोरी में पैसे, लॉकर में चेन सोना चांदी कितने किलो रखा है, सब कुछ याद रहता है ना कि नहीं? कितने सोना चांदी, कितने हार, कितने मंगलसूत्र, कितनी मालाएं, कितनी चेन, कितनी है टोटल, सब याद है। लेकिन आत्मा तिजोरी में कितना माल रखा याद है कि नहीं? आज झूठ बोल रहा अमिता जी, सब पता, सब गिनती है एक एक पाई की, कहाँ है, कितना है, कितनी प्रॉपर्टी अपनी है, कितनी पड़ोसी की, सब याद है नहीं? याद हमारे नाम कर दो आत्मा, वो भूले से नहीं भूलते, पुत्र परिवार संयोग ये सारी चीजें भूले से नहीं भूलते। और ये आत्मा की याद करने के लिए कहा तो
हाँ टाइम ही नहीं है ना। तो ये देख लो सारण स्वामी कह रहा है चरणानि योग चारित्रम। चरणानि योग मतलब चारित्र, किसका चारित्र? शरीर का, मन वचन काय का, ये पकड़ना है बस। चारित्र किसकी बात है? चारित्र को कहाँ पाया जाता है? शरीर में या आत्मा में? चारित्र को कहाँ पाया जाता है, आत्मा में या शरीर में? और अपन कहाँ पालन कर रहे हैं? चारित्र गुण की प्रधानता आत्मा में थी, आत्मा में है और आत्मा में ही रहेगी, और हम पालन कर रहे हैं शरीर में, क्रियाओं में और बाहर दिखावे में। तो भैया चारित्र का ही प्रकट होने वाला नहीं है, क्योंकि जो जीव जो चीज जहां है ही नहीं वो चीज वहां कभी आएगी नहीं। भैया चारित्र आत्मा का गुण है तो उसका पालन भी आत्मा से ही होगा, अंतर आत्मा की सूरत से ही होगा, छिद्रूप स्वभाव को देखने में ही होगा। ऊर्ध आर्ध मध्य तीनों लोकों में आप कहीं भी हो, अर्थात ऊर्ध लोक आर्ध लोक और मध्य लोक, मतलब वास्तव में तो मन वचन काय ही अपने सारे लोक है। आप मन में वचन में काय में कहीं भी परिणवन करो, लेकिन आपको एक बात याद रहे कि मैं तो संपूर्ण ज्ञान में शाश्वत आत्मा ही हूँ। यदि ऐसा स्मरण आपको है तो चारित्र रूप चरणानि योग आपके ज्ञान का गुण है, विषय विषय नहीं है, मेरा गुण है। चार चरणानि योग मेरा गुण है, ये कोई बाहर लिखी हुई परिभाषा नहीं है, बाहर लिखी हुई परिभाषा नहीं है। भाई जहां चारित्र का वर्णन चले इसको चरणानि योग कहते हैं, ये कोई परिभाषा नहीं है, रटने का मार नहीं है। चरणानि योग की याद कर ली, पचमानि योग की परिभाषा याद कर ली, कर्णानि योग की परिभाषा याद कर ली, लेकिन जीवन में तो सुन्न वटे सन्नाटा। परिभाषाएं याद करने का मार नहीं है, चारित्र मतलब चिद्रूप रूप दृष्टते, आपकी दृष्टि में क्या है, क्या वो रत्नत्रय में आत्मा आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है? चिद्रूप आत्मा ज्ञान में आत्मा क्या आपकी दृष्टि में दिखाई दे रहा है? यदि आपकी दृष्टि में वो ज्ञान में आत्मा दिखाई दे रहा है तो चरणानि योग आपके ज्ञान का गुण है। भाई नहीं दिखाई दे रहा तो अनंत काल से संसार में भटक ही रहे और अनंत काल तक और लोग कह रहे भैया नहीं हम तो भटकेंगे, नहीं हम तो भटकेंगे ही। और यदि आप कह रहे हो कि आप कभी नहीं भटकेंगे भगवान आत्मा, तो फिर बताओ चैतन्य स्वभाव दृष्टि में दिख रहा, चिद्रूप आत्मा अपने दृष्टि में दिख रहा, इसकी सूरत आ रही है। तारण स्वामी की यह अनमोल ग्रंथ है और इनमें दिया हुआ यह शुद्ध एकदम निखालिस निश्चय, क्या वो वीतराग स्वभाव अपनी नजरों में झलक रहा है? तारण स्वामी कह रहे सुनो षट कमलम त्रिलोकम च, भैया इन तीन लोकों में, भैया तीन लोक मतलब अपन जानते हैं, इन तीनों लोकों में षट कमलम, षट कमलों के माध्यम से ध्यान साधना के माध्यम से अपने वीतराग भाव को प्रकट करो ना। अभी षट कमल क्या होते हैं, अभी साधना का विषय 36 अर्ग की साधना का विषय है, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, वित्त कमल, इन छह कमलों के माध्यम से आचार्य श्रीमद् जैन तारण स्वामी ने 36 अर्ग को साधना की, अर्थात अपने प्रकाशमान स्वभाव को साधा है। तो कह रहा है इस त्रिलोक में सार तो यही है भैया, क्या सार है कि इन षट कमल के माध्यम से, या फिर आपके लिए सरल कर दे षट रमण के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से आत्मा का ध्यान करो, ये इस तीनों लोगों में सार है भैया। आत्मा का आश्रय लेके, अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेके, अपने ज्ञायक स्वभाव का ध्यान करो, ये सार है भैया। सार अपने को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसा कहा है कि 14 ब्रह्मांड का सार, 14 ब्रह्मांड मतलब 14 राजू उतंग, ये नवे इस पूरे ब्रह्मांड का सार ये है आत्म रमणता। आत्मरमणता हो जाए तो लोकालोक झलक जाए, और आत्मरमणता नहीं हो तो फिर क्या, फिर है क्या इस संसार में आत्मा के अलावा दूसरी वस्तु क्या अच्छी बता? यदि आप आत्मा हो इस लोक में आप आत्मा के अलावा कुछ और हो क्या?
और यदि आप इस लोक में आत्मा के अलावा कुछ और नहीं हो तो आत्मभ्रमण तो नहीं कर पा रहे, तो फिर क्या सार है? ना पत्नी सार है, ना पति सार है, ना धन सार है, ना दौलत सार है। ये सब सार होता तो फिर महावीर भगवान यहाँ से वहां क्यों जाते, यहीं रहते ना। तारण स्वामी को अपन क्यों नमस्कार कर रहे होते, पंच परमेश्वरी का नाम क्यों ले रहे होते भगवान जी? धन दौलत ही सार है तो फिर इनकी स्तुति क्यों, इनकी वंदना क्यों, चैत्यालय में रोज रोज आना क्यों, जनवाणी का पढ़ना क्यों? यदि ये सार है, धन दौलत पद परिवार ही सार है, यदि इनमें ही सारी सिद्धि है तो फिर ये थोड़ा बहुत व्यवहार और क्यों? पुण्य प्राप्ति के लिए कहना भैया आप हमारी मजबूरी तो समझो कि ये सब कुछ भी इनकी शरण में आने से ही मिलता है। इनका नाम लेते रहो तो पुण्य बंद होता है, और पुण्य बंद होता है तो व्यापार भी अच्छा चलता है और घर गृहस्थी के सारे काम भी अच्छे चलते हैं। मजबूरी है मंदिर आना, यदि पुण्य नहीं मिलता ना यहाँ भी नहीं आते। 100% शक्ति है, यदि पुण्य नहीं मिलता इनके शरण में आने से तो हम इनको भी स्मरण नहीं करते। मजबूरी है, इनके स्मरण से हमारा घर अच्छा चलता है। इनकी शरण में आने से हमारा पुण्य, हमारा घर परिवार एकदम बढ़िया चलता है, इसलिए ये हमारे लिए इष्ट है। इसलिए थोड़े इष्ट है, इनके समान पद हमें प्रकट करना है, इनके समान साधना हमें करना है। संसार से, घर पुत्र परिवार से ममत्व तोड़ के अपने आत्मा की प्रतीति रखते हुए इनके समान पद प्रकट करना है, इसलिए थोड़ी ना, वो तो पुण्य अनिवार्य है, इसलिए मजबूरी है चैतन्य आना, नहीं तो कोई नहीं आता, हम ही नहीं आते। तो भैया यहाँ बात तो सीधी सीधी है, क्या षट कमलम त्रिलोकम चा, इन तीनों लोकों में अपने षट कमल स्वभाव की साधना करो भैया। और क्या करें गुरु महाराज, सार्धम धर्म संयुक्तम, धर्म ध्यान की साधना से संयुक्त रहो, धर्म ध्यान की साधना करो, तत्व का चिंतन करना, मोक्ष मार्ग का उपाय खोजना, अपाय विचे धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा को बार बार चिंतन करना, आज्ञा विषय धर्म ध्यान है भैया, कर्मों के फल से छूटने का विचार करना, विपाक विषय धर्म ध्यान है भैया। किस लिए बने ये धर्म ध्यान? क्या बने? शास्त्रों में लिखने के लिए, परिभाषा याद करने के लिए। हाँ अच्छा, कितना विपाक विषय धर्म ध्यान के चिंतन करते हो बताना, तो कर्मों के फल से मुक्त होने का कितना चिंतन कर रहा है? विपाक विचय धर्म ध्यान यही है कि पुण्य पाप के जो कर्म है, उन कर्मों के फल से, जो अशुभ कर्म हुए अनादिकाल से, उन घातिया अघातिया कर्मों के फल से मुक्त होने का विचार, विपाक विचय धर्म ध्यान, भगवान की आज्ञा का विचार, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, संसार से मुक्त होने के उपाय का विचार, अपाय विचय धर्म ध्यान। कितना कर रहे भैया? घर के मोड़ा मोड़ी की चिंता करने से फुर्सत मिल जाए, या दुकान मकान की चिंता करने से फुर्सत मिल जाए, चौके की चिंतन से फुर्सत मिल जाए, रोटी में सब्जी के दाल चावल की चिंतन से फुर्सत मिल जाए, तो फिर आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय आदि धर्म ध्यान को अपन अपने जीवन में लागू करें। अब जब फुर्सत ही नहीं है ना, कैसे फुर्सत नहीं दीजिए? हाँ बोले अली, कैसे फुर्सत नहीं है? दुर्ध्यान से, आज रोज ध्यान से फुर्सत ही नहीं है ना, संसार की चिंता से फुर्सत ही नहीं है, तो धर्म ध्यान कहां से कर ले? फुर्सत हो तो ध्यान लगे, फुर्सत ही नहीं हो तो भगवान जी अपन ध्यान करना मतलब ये सोचते हैं कि आंख बंद करके बैठ जाओ और कहीं खो जाओ, इसका नाम ध्यान? ऐसा कोई ध्यान नहीं होता। तत्व के चिंतन पूर्वक जो अपनी एकाग्रता बनती है, तत्व के चिंतन में जो एकाग्रता बनती है उसका नाम ध्यान है। अब भैया आंख बंद करके बैठे भैया कुछ हो ही नहीं रहा, तो कहां से होगा भगवान जी? कोई भूत थोड़े ना है जो दर्शन देगा आपके, और आत्मा है। जब उसका आप चिंतन करोगे, जब उसको आप नाना विधि से उसको अपनी स्मृति में लाओगे, तब वो आपकी प्रतीति में, स्वीकारता में आएगा। और अब आंख बंद करके बैठ जाओगे तो भूत दिखेंगे, कर्मों के भूत, भाई जय करना है, जय करना है, गैस पे चावल चढ़ा हुआ है, दुकान जाना है, और 10 मिनट तो नहीं होगा, आप 10 मिनट में 10 बार आंख खोल के देख लोगे, 10 मिनट के लिए बैठे थे, 10 मिनट, 10 मिनट हुए कि नहीं हुए? 10 मिनट में 10 बार आंख खुल जाएगी। कहा भैया तो भूत दिखाई देंगे ना, घर के, दुकान के, परिवार के, इनके चिंतन के भूत दिखाई देंगे, आत्म चिंतन करें नहीं,
फिर वो आंख बंद करोगे तो क्या दिखाई देगा? लोग कहते हैं भैया आंख खुली रहती है जब तक तो शांति भैया हमारे, लेकिन आंख बंद होने के बाद तो अशांति डबल हो जाती है। आंख खुली रहती है तब तक तो फिर भी शांति रहती है, और भैया गलती से आंख बंद कर ले तो अशांति बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है भैया? आंख खुली रहती है तो बाहर के भूत दिखते रहते, भूत प्रेत दिखते रहते, मन में लगा रहता है, लेकिन आंख बंद करते हैं तो अंदर के भूत प्रेत दिखने लगते हैं, तो डर लगता है भैया इन्हें कहां लेके जाए। आई कि नहीं आई बात समझ में? आंख खुली रहती है तो बाहर के भूत प्रेत दिखते रहते अपने नाचते हुए, ये मोड़ा मोड़ी बच्चे परिवार के, दुकान जाना मकान जाना, ये सारे भूत प्रेत नाचते हुए दिखते रहते हैं, तो मन इनमें लगा रहता है, कोई कोई दिक्कत नहीं होती भैया। और आंख बंद करी तो अंतर में मैं मुझे करना है, मुझे धरना है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये राग के बेकार वो देश के बेकार, अंतर के भूत प्रेत दिखने लगते हैं, और अंतर के दिखते डबल घबराहट हो जाती है। बाहर के भूत प्रेतों में आधी घबराहट और अंतर के में आंख बंद करते डबल। अब भगवान बताओ भूत दिखेंगे तो घबराहट तो होगी, अब देखना बंद करो क्या देखे? देखो तार समझ कर रहे हैं, षट कमलम त्रिलोकम च, इन तीनों लोकों में षट कमल की आराधना करो। कैसे करें? सार्धम धर्म संयुक्तम, धर्म ध्यान के माध्यम से इन षट कमल की आराधना करते हुए क्या करो भैया? छिद्रूपम रूप दृष्टिते, फिर कह रहे हैं एक बार फिर से कह रहे हैं, सुनो फिर से क्या कह रहे हैं? छिद्रूपम रूप दृष्टिते, धर्म ध्यान के माध्यम से अपने चिद्रूप स्वभाव को देखो, क्योंकि अपने चिद्रूप स्वभाव को देखना ही वास्तव में चारित्र है। चरणम पंच दिप्तियम, क्या कर रहे हैं भैया? पंच दिप्ति मतलब मति ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मनःप्रेय ज्ञान में, और पूर्ण एक ज्ञान केवल ज्ञान में आचरण करने का नाम ही चारित्र है। सम्यक मति में आचरण कर रहे हो, सम्यक श्रुत में आचरण कर रहे हो तो चारित्र है, और सम्यक मति और सम्यक श्रुत में आचरण नहीं कर रहा है, दिन रात के विकल्पों में लगे हुए हो तो फिर क्या? फिर तो समय होने अब बहुत देर है, हमारी कहानी और चली गई थोड़ी देर, चलिए बताओ तो फिर ऐसा मत कहो डॉक्टर साहब, ऐसा कहो तो मिथ्या चारित्र है, पता तो लगे कि मिथ्या चारित्र निबोध का मूल। यदि सम्यक चारित्र नहीं है तो नियम से मिथ्या चारित्र है, यदि आपके हृदय में सम्यकता चरण चारित्र नहीं है, स्वभाव की तत्व की स्वीकारता नहीं है, वस्तु स्वभाव का चिंता नहीं है, तो नियम से मिथ्या चारित्र है, और मिथ्या चारित्र है तो नियम से निबोध का पात है। और यदि आप निबोध के पात्र हो तो ये सुन के भी घबराहट नहीं हो रही, भगवान की वाणी सुनने का भाव नहीं आ रहा, अर्थात हृदय प्रफुल्लित नहीं हो रहा है भाव भाव सुन के, तारण स्वामी कितने अच्छे से जीव को जगा रहा है कि हे जीव तू स्वयं भगवान है, यही बात कह रहे हैं कि चिद्रूपम रूप दृष्टिते, तू रत्नत्रय से अभेद आत्मा है, ना तुझमें दर्शन का भेद है, ना ज्ञान का भेद है, ना चारित्र का भेद है, तू एक बार पंच दीप्ति में अपने ज्ञान में आचरण कर कि मैं तो केवल ज्ञान स्वभावी आत्मा ही हूँ, अभेद ज्ञान का लक्ष्य रख, तो क्या होगा? चारित्र की सिद्धि हो जाएगी और ये चरणानि योग नाम का गुण प्रकट हो जाएगा, संसार के चक्र से छूट जाएगा। और नहीं तो भैया चरणानि योगाय नमः केते केते जीवन निकल जाएगा, लेकिन चारित्र प्रकट होने वाला। शास्त्र पढ़ने से सिद्धि होना चाहिए, और सिद्धि हो रही है तो आचरण चाहिए, आचरण ही सिद्धि है, बाहर की क्रियाओं में सिद्धि नहीं है, आचरण ही सिद्धि है। और वो आचरण जब होता है जब अपना पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण समर्पण कर देते हैं अपन बुद्धि के विलास को छोड़ के, जब अपनी आत्मा को सत्य में समर्पण कर देते हैं, सत्य की स्वीकारता में समर्पण कर देते हैं, और मन और बुद्धि के रस को पीटते हैं, मनोबुद्धि काय में रस पढ़ने में रस लेते हैं, क्रिया करने में रस लेते हैं, तो मन बुद्धि के रस को पीटते हैं, उन्हें क्षयोपशम का और क्रियाओं का रस हटा के तत्व के रस में लगाते हैं, तब जीव की परिणति पलटती है। और नहीं तो करते रहो क्रिया और सुनते रहो प्रवचन, कुछ होने वाला।
छह ऑप्शन का रस पिटे और क्रियाओं का रस पिटे तो आत्मा का रस आए, अगर छह ऑप्शन का रस आ रहा है और क्रियाओं का रस आ रहा है तो फिर आत्मा का रस आने वाला एक ही रस आएगा बस, या तो आत्मा की स्वीकारता का रस ले लो या छह ऑप्शन का ले लो जानकारी का, या तो क्रियाओं का रस ले लो या तो आत्मा का रस ले लो, रस तो एक ही आएगा, या तो उपयोग अंतर्मुख रहेगा या बहिर्मुख रहेगा, यदि बहिर्मुख रहेगा तो बाहर का ही रस आएगा शुभ या अशुभ, अंतर्मुख होगा तो ही आत्मा का रस आएगा, नहीं तो आत्मा का रस आने वाला। और जब तक आपकी श्रद्धा इतनी मजबूत नहीं होगी तब तक परिणति अंदर नहीं मुड़ेगी, ये भी याद रखना। जब तक आपकी निष्ठा आपकी स्वीकारता चल रही होगी, गुरुदेव के इन ग्रंथों की महिमा नहीं आएगी, इस मार्ग को स्वीकार करने के अंदर से परिणति नहीं पनमेगी। भैया ये पढ़ तो अनंत काल से अपन पढ़ तो बहुत चुके, लिख तो बहुत चुके, प्रवचन भी बहुत बहुत विद्वानों के सुन चुके भैया, लेकिन तारण स्वामी की बात निराली है। उन्होंने अध्यात्म की अनुभूति को सिद्ध किया है और बिना परमार्थ के मुक्ति होने वाली नहीं है, किसी हालत में नहीं होने वाली। तारण स्वामी कह रहा है ये चार अनुयोग तुम्हारे ज्ञान की ज्योति है, ये चार अनुयोग तुम्हारे आत्मज्ञान का प्रकाश है, ये जनवाणी में लिखे शब्द नहीं, ये तुम्हारी चैतन्यता का भाव है। एक बार अपनी दृष्टि में अपने चिद्रूप आत्मा को देखो, पंच लिप्ति में स्वभाव में आचरण करो, यही चरणानुयोग तुम्हारे ज्ञान का गुण है। यदि आपकी मति सम्यक है तो आप चरणानुयोग नाम के गुण को जानते हो। अरे अपने इसी गाथा में पढ़ा था ना, बुद्धि प्रकाशाय शाश्वती नमः, मैं अपनी सम्यक बुद्धि में प्रकाशित जनवाणी को नमस्कार करता हूँ। सम्यक ज्ञान की जो ज्योति अर्थात सम्यक निर्णय की जो धारा अपने बुद्धि में प्रकाशित होती है उसका नाम जनवाणी है। तो ये लिखा हुआ शब्द जनवाणी थोड़ी ना, सम्यक चिंतन का नाम जनवाणी है। बुद्धि प्रकाश है शाश्वती नमः, बुद्धि में प्रकाश है जनवाणी को नमस्कार। किसकी बुद्धि में? पंडित जी आपकी बुद्धि में, आपकी बुद्धि में जनवाणी प्रकाशित हो रही है, तो पंडित जी आपकी बुद्धि में प्रकाशित जनवाणी को मेरा हाँ, आपकी बुद्धि में यदि सम्यक की ये ज्योति चले, आपकी बुद्धि में यदि सम्यक का निर्णय हो तो बुद्धि प्रकाश है शाश्वती नमः, स्वयं की बुद्धि में प्रकाशित होने वाली ये वाणी इसका नाम जनवाणी है। और ये स्वयं की बुद्धि में प्रकाशित नहीं है तो फिर भैया फिर तो बस नियम व्रत लेना भी क्रिया है, स्तुति पढ़ना भी क्रिया है, शास्त्र पढ़ना भी क्रिया है। क्रिया तो आप कुछ भी कहीं भी कर सकते हो, क्रिया तो आप कहीं भी कर सकते हो, आप प्रवचन करके भी क्रिया कर सकते हो, हम इतने अच्छे प्रवचन कर रहे हैं तो ये भी क्रिया है। क्रिया तो आप कहीं भी कर सकते हो और कुछ भी कर सकते हो, क्रिया करने में कोई रोक तो, लेकिन वहां भाव अनुभूति को प्रकट कर लेना वो उसका नाम साधना है। वहां अपने स्वभाव के लक्ष्य को प्रकट कर लेना, महामूल में अपने आत्मा का बोध प्रकट कर लेना, अपना लक्ष्य बना लेना, अपने स्वभाव का लक्ष्य निर्धारित कर लेना, इसका नाम साधना है। और जब स्वरूप का लक्ष्य निर्धारित होता है तब आत्म साधना होती है, और जब आत्म साधना होती है तो ये चार अनुयोग आत्मा के गुण रूप प्रकट होते हैं, ज्ञानी के गुण रूप प्रकट होते हैं। भैया जब ये अनुयोग आपके गुण हो जाएंगे तो फिर जिनवाणे को नमस्कार करने के लिए चैत्यालय आना व्यवहार रह जाएगा, जहां खड़े हो गए वहां जिनवाणी का नमस्कार हो जाएगा। चलते फिरते सिद्ध भगवान वो तो आपने धरती में देखे ही है, लेकिन भगवान जी चलती फिरती जिनवाणी आप स्वयं हो जाओगे। चलती फिरती जिनवाणी जहां भी जाओगे, भव जीवन चर्चा करोगे तो भी कथाओं में रस नहीं आएगा। अब जब स्वयं की बुद्धि में जिनवाणी होगी तो दूसरों को भी वही सुनाओगे। भैया आओ, अरे तुम कहां नींदा चुकी बुलाएंगे लगे हो, इससे तो कर्म बंद होगा। देखो अपने कल्याण का मार्ग बनाओ, तुम तो तिरोगे और तुम जहां जाओगे वहां दो चार और तिर जाएंगे, तो तुम चलती फिरती जिनवाणी हो जाओगे। अब जब तुम चलती फिरती जिनवाणी हो जाओगे तो जहां जाओगे वहां जय जयकार मचाओगे।
भैया अब जिनवाणी को जेब में लेके घूमो, सर पर रख के घूमो, कुछ नहीं हो रहा। गांव वाँव देश देश सर पर रखो और घूमते रहो, क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। बहुमान के लिए बहुत अच्छी बात है, जिनवाणी का सिरोधार करने की भावना से जिनवाणी को सर पर रखना और उसकी प्रभावना करना अच्छी बात है। सिर में अकेले मत रखो, मति में माथे पे मत रखो, मति में रखो तो मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। माथे में रखने से अच्छा माथे में रखना है तो मति में रख लो, मति में रखोगे तो इस जिनवाणी की प्रभावना तीनों लोगों में हो जाएगी, और मति में नहीं रखोगे बस भैया दूसरे कहेंगे इसने ऐसा कर दिया, तुम कहोगे सही बात है वो तो दुष्ट है, चे नहीं कहोगे कि कोई किसी का कुछ करता। यह कुबुद्धि, यह कुबुद्धि जहां राग की रंग की इंद्रिय विषयों की कसाई की और पापों की चर्चा चलती है कुमति। और भैया संसारी जीवों की मति कुमति है, उन्हें अपने हित की बात सुनाई नहीं देती, इसलिए वो जिनवाणी के चार गुणों से अनभिज्ञ है। ना वो कर्णानु योग को जानते, ना चरणानु योग को जानते, ना प्रथमानु योग को जानते, ना द्रव्यानु योग को जानते। वो चारों अनुयोगों से रहे मिथ्या दृष्टि के एक भी अनुयोग नहीं होता, मिथ्या दृष्टि का एक भी अनुयोग नहीं होता, और सम्यक दृष्टि के चारों अनुयोग होते। अब तो बात तो इतनी है ना भैया, यदि कल्याण का मार्ग बनाना है तो बस तारण स्वामी कह रहे हैं भैया चित्रु गुरु दृष्ट थे। क्या देखे तारण स्वामी? पहले कुछ मत देखो, देखने वाला जानने वाला स्वयं तुम्हारा त्रिकाली है, और जो जानने देखने रूप आचरण कर रहा है वो ही तुम हो। ऐसे अपने रूप को देखो, इसका इनाम चारित्र। जानने देखने वाले को देखते रहो चारित्र, और जानने देखने वाले को देखना छोड़ा और पर पर्याय को देखा मिथ्या चारित्र। कहानी तो प्रतीति पे खत्म हो जाती है। देखो भैया उदाहरण, छोटा सा उदाहरण, आप घर पुत्र परिवार में अपन आप और हम सब रह रहे हैं। अब घर पुत्र परिवार में रहे तो अच्छे बुरे संयोग भी बन रहा है, ऊपर नीचे भाव भी चल रहा है, ऊपर नीचे परिणमन भी चल रहा है। चलते हुए परिणमन में यदि अपन ने ये निर्णय कर लिया, ये प्रतीति लिया है कि ये सब पर है और मैं गायब तक आत्मा इनसे भिन्न हूं, ऐसा निर्णय करके अपन ने अपना उपयोग यहां से हटा लिया, स्व की प्रतीति लिया है, विचारित बढ़िया आप अपने अपने आप में मगन, आपको अपना बोध है। और यदि भैया ये राग में देश में ये कर रहा है, ऐसा करना है वैसा करना है, ये सब क्रियाएं ये सब क्रियाएं, यदि इनमें ही मन लगा रहा और आत्मा का स्मरण नहीं आया, तत्व की प्रतीति नहीं आई, तो ये ही हो गया मिथ्याचार है, क्रिया कांड आडंबर, यही संसार का मार्ग हो गया। इतनी सरल सी तो बात है, कितनी सरल सी बात, मैं जान रहा देख रहा हूं जाननहार हूं ऐसा याद आ गया तो चारित्र का मार खुल गया। और यदि मैं ही करना चाह रहा हूं ये सब मेरी माया है, राग द्वेष कसाय मोह ये सब मैं ही करता धरता हूं, अरे ऐसी अज्ञान भाव में उलझे रहे तो फिर मिथ्याचार, मिथ्याचार कहां ले जाएगा? नित्य से निकला है इतर में ले जाएगा। तो नित्य से निकला है तो निगोद का मार्ग बंद नहीं हुआ, इतर खाली पड़ा, और तीनों लोग इतर निगोद है। इस लोक का एक परमाणु भी ऐसा खाली नहीं है, एक हिस्सा भी ऐसा खाली नहीं, लोक का काश था जहां निगोदिया जी फसा था नाम सिद्ध शिला में और तनु वादालय में भी स्थावर का है, निगोदिया का ढेर लगा हुआ भैया, स्थावर का है, तनुवाद वाले खुद जल और हवा की लहर है, तो खुद स्थावर का है ही, और निगोदिया जीव तो वहां ठसाठस भरे ही है, वो कहीं रुकते नहीं है। तो आप सिद्ध सला जाना चाहते हो क्या? तनुवाद वाले में रहना चाहते हो ना? तो आप निगोदिया या स्थावर बन के जा सकते हो। अब विद्याचार्य सहित जाना है तो दो ही रास्ते है, स्थावर का है वायु का है या जल का है कि जीव हो जाओ, या वायु का है कि जीव हो जाओ, तो आप निगोद मां सिद्ध शिला में रह सकते हो, मां सिद्ध भगवान के साथ रह सकते हो, या निगोदिया जीव हो जाओ तो आप सिद्ध भगवान के साथ रह सकते हो, उनके साथ रह सकते हो,
लेकिन उनके जैसा अनुभव नहीं कर सकते, उनके सुख नहीं भोग सकते, उनके साथ रह के आ सकते हो भाई। भावना तो भाई ना सिद्धा ले जाने की, तो जाना तो पड़ेगा, भाव का भावना तो पूरी होगी, लेकिन मिथ्या सहित भाई है तो निगोरिया बन के पूरी होगी, स्थावर काय बन के पूरी होगी, भावना का फल तो मिलेगा ही ना, लेकिन निगोरिया बन के मिलेगा। सम्यक दर्शन सहित भाई होती, आत्मा के कल्याण की भावना सहित भाई होती तो सिद्ध बन के जाते, लेकिन भैया भाई मिथ्या सहित है तो निगोरिया बन के तो जानी पड़े, भावना तो पूरी होगी ना। नाना काय कर रहे भैया, देखो भैया जैसी करनी वैसी करनी, मिथ्या का पोषण किया है मार्ग मिथ्या ही मिलेगा ना, सम्यक कहां से मिलेगा। और यदि आज भी गुरुदेव की इस अमृत में वाणी को सुनके, इन चार अनियोगों की चर्चा को सुनके, यदि आज भी अपने आत्मा का बोध आ रहा है भैया, आज भी स्वीकार हो रहा है कि बाहर के सारे आडंबर तो बाहर तक ही है, यहाँ कहीं धर्म की व्याख्या नहीं है, धर्म तो पंच दीप्तियां, जो पंच दीप्ति में अपना आत्मा है चरणम, इसमें चरण करने का नाम धर्म है। पंच दीप्ति में भैया मति शुद्ध अवधि मना प्रिय और केवल, पांचों दीप्ति आत्मा का प्रकाश है, पांचों दीप्ति आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। मति ज्ञान मन और इंद्रियों से नहीं होता, आत्मा से होता है। मन इंद्रियों से कौन सा होता है भैया, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को कुमति और सम्यक दृष्टि को मति, व्यवहार ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ये मन और इंद्रियों के निमित्त से होता है, चौकसम ज्ञान जिसे कहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान अर्थात सम्यक मति तो आत्मा के आश्रय से होती है, ना मन के आश्रय से होती है ना इंद्रिय के आश्रय से होती है। सम्यक शुद्ध ज्ञान तो अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है, ना शास्त्रों से होता है ना पंडितों से होता है, कहां से होता है, अपने ज्ञान स्वभाव के आश्रय से होता है सम्यक शुद्ध ज्ञान, ना शास्त्रों से होता है ना प्रवचनों से होता है। इसलिए भगवान आत्मा अपना लक्ष्य भाई पूरी रामायण पढ़ दी हमने, राम कौन थे रोज ही पूछना पड़ता है सुबह शाम, आखिरी बात कह रहे हैं चरणानी हो किसकी आत्मा का गुण है, मेरे आत्मा का मेरे ज्ञान का गुण ये चरणानी योग है। प्रथमानी योग की पूजा पता लग गई आपको, निष्पद का वेदन करना प्रथमानी योग की पूजा है, चरणानी योग की पूजा लग गई पता, बुद्धिमान स्व आत्मा की चिंता करना करणानी योग की पूजा है, और चरणानी योग की पूजा पता लग गई आपको, चरणानी योग की आराधना पता लग गई क्या है, अपने चिद्रूप आत्मा को पंच दीप्ति को अपने आचरण में देखना चरणानी योग की पूजा है। अब अपन कल द्रव्यानी योग की पूजा करेंगे, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में गंगा की पूजा करनी कि नहीं करनी, शुद्ध ज्ञान में गंगा की आराधना करनी कि नहीं करनी, तो शुद्ध ज्ञान की गंगा अपने अंदर में ही है, वो भाव श्रुति शुद्ध ज्ञान में गंगा है। तीन अनुयोग को जान लिया, कल अपन द्रव्यानियों को जान के और इस विषय को पूरा करेंगे भैया, इसीलिए अपन अपने आत्मा का बोध जगाए और गुरुदेव की अमृत में वाणी को सुन के अपने निर्वाण का मार्ग बनाए, यही तारण करण जिन देव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण करण भंडाराचार्य जी महाराज श्री हरि दशा।